अस्सलाम वालेकुम। हो सकता है कुछ चीज़ें तुम्हें वापस ना मिले जैसी तुमने चाही हो। हो सकता है जिस चीज़ को तुमने अपने लिए सबसे बेहतर समझते हो वही तुम्हारे लिए तकलीफ़ का बाइस हो। हो सकता है कुछ रास्ते वो खोल दे, कुछ रास्ते तुम्हारे चाहने के बाद भी ना खोले। हो सकता है कुछ उलझने वो सुलझा दे, कुछ इसलिए भी ना सुलझाए तुम उसके पास रह सको। हो सकता है कुछ दुआएं इस अंदाज़ में कबूल ना हो जिस अंदाज़ में तुम चाहते हो, लेकिन यकीन करो अल्लाह के फ़ैसले तुम्हें मुतमिन कर देंगे। फिर तुम्हारा दिल हर खौफ हर वसवसे से आज़ाद हो जाएगा। हालात तुम्हारे बस में ना सही लेकिन उसके बस में ज़रूर है जिसके इख्तियार में सब है। फिर क्यों डरते हो? वो जानता है तुम थक चुके हो, वो जानता है तुम्हें कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आता, वो ये भी जानता है कि नामुमकिन के बाद भी तुम्हें उससे मुमकिन की उम्मीद है। यकीन रखो वो नसीब की डोर को तब तक तुम्हारे हाथ में पकड़ा कर रखता है जब तक तुम दुआ का दामन नहीं छोड़ते। अभी भले तुम्हें तुम्हारी दुआएं कबूल होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन दिल में जो यकीन है ना अल्लाह सुनेगा और ज़रूर सुनेगा। तो सुनो, अल्लाह ने सब सुन लिया है, अल्लाह ने सब कबूल कर लिया है, क्योंकि यकीन कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। अभी बेशक तुम्हें यह वक्त बहुत मुश्किल लग रहा होगा, हालात बहुत मुश्किल लग रहे होंगे, मांगी हुई दुआएं अभी बेअसर महसूस हो रही होंगी, लेकिन देखना जल्दी अल्लाह तुम पर अपनी हर वो मसलियत अया कर देगा जो अब तुम्हारी समझ से बाहर है। तब तुम्हें अल्लाह पर बहुत प्यार आएगा।